सेकंड डाउन पे आके इतना बैटर नहीं कर रहे सर। अमित जी, मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा पीछे 4 साल 5 साल पहले पीछे ले जाऊंगा कि अभी आपने हाल ही में ग्रेग चैपल का एक स्टेटमेंट सुना होगा, जिन्होंने उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि पिछले वर्ल्ड कप में सचिन से ओपन नहीं करवाई, मैंने 4 नंबर 5 नंबर जबरदस्ती खिलाया सचिन को और दैट कॉस्टेड अस द एंटायर थिंग। हम लोग 7 दिन में वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। देखिए, आपके सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है, ओपन करते हैं और वीरेंद्र सहवाग जैसा खिलाड़ी और इतने इतने इतना एक्सपीरियंस होने के साथ वीरेंद्र सहवाग और ये दोनों को ओपन करना बनता है। और ठीक है, मुझे मालूम है लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन एज ए बॉलर मैं मानता हूं डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आपके पास सचिन और वीरेंद्र सहवाग जैसे हो तो आप सोच नहीं सकते कि गौतम गंभीर ऊपर आएंगे। लेकिन गौतम की बैटिंग पे इससे फर्क पड़ा है क्या कि अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं? नहीं अशोक, जब भी आप एक दूसरे मैचेस देखिए जिसमें सचिन और वीरेंद्र सहवाग दोनों टीम में फिट है खेल रहे हैं, गौतम ने हर समय 3 नंबर बैटिंग की और 3 नंबर पे परफॉर्म किया गौतम ने। ये इस वर्ल्ड कप में है कि थोड़े अनलकी रहे, कैच ब्रिलियंट पकड़ा गया, पैड से लग के विकेट पे लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सारे बैट्समैन अगर अपने रन पहले ही खत्म कर देंगे तो बाद में कौन रन बनाएगा, तो इसलिए लाफ एवरेजेस कहती है एक आधे प्लेयर के कहीं ना कहीं रन रुकने चाहिए, बड़े रन भी बनाने के। वैसे भी इतनी जल्दी